हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बढ़िया झोंकदार वाली कढ़ी। बहुत ही शानदार कढ़ी बनेगी। देखिए, आपने देख ही लिया होगा कि इस तरह झोंक लगाया है मैंने। तो चलिए कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये गर्म पानी उबालूंगी मैं, और इसमें मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्च लिए और इन्हें उबाल लेंगे। हम इसको इसलिए उबाल रहे हैं क्योंकि इनका जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाएगी और आपको ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी कढ़ी। तो इसे उबलने के लिए रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं हमारी कढ़ी के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। मैंने ये 2 गिलास छाछ लिए और उसमें 1 गिलास पानी ले लिया है। आप इसको थोड़ा खट्टा कम ही रखें क्योंकि अगर ये ज़्यादा खट्टा हो गया तो फिर ये ज़्यादा खट्टी लगेगी। और इसमें मैंने ये 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें बढ़िया, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। ये मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इसके बाद में इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच मैंने सौंफ डाली है। और 1/2 छोटी चम्मच में इसमें डालूंगी मेथी दाना। ये लीजिए, मैंने मेथी दाना डाल दिया इसमें। और इसके बाद में इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच राई। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। इनसे क्या है ना, थोड़ा स्वाद बढ़िया आ जाएगा हमारी कढ़ी में। और ये मैंने नमक ले लिया है स्वादानुसार, आप नमक अपने हिसाब से ले लें, जैसा आपको कम या ज़्यादा थोड़ा पसंद हो उस हिसाब से लें। और इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनमें जो ये छोटी छोटी गुठलियाँ रह गई है ना बेसन की, उसकी टेंशन ना ले। अगर रह भी गई है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ना, तो ये वैसे ही इसमें छाछ है ना उसमें पिघल जाएगी। तो लीजिए, हम इसे ढक के रख देते हैं। और कढ़ी के साथ मैंने बनाई ये बाटी, क्योंकि कढ़ी के साथ हमारे यहाँ तो भाई बाटी का बहुत ही चलन है। तो मतलब ऐसा है कि भाई बिना बाटी के तो कढ़ी अच्छी लगती ही नहीं है। और ये लीजिए, हमारी मिर्चियाँ उबल गई है और मैं इन्हें मोटा मोटा सा थोड़ा दरदरा सा कूट लूँगी। मेरे पास सिलबट्टा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ सिटी में सिलबट्टा कोई यूज़ करता है नहीं और इतनी जगह भी नहीं होती कोई पेड़ पे गिरा ले उस वजह से। और गांव में तो भी सिलबट्टा होता है। तो लीजिए, मैंने इसे बेलन की हेल्प से ही थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है। और अब मैं तैयारी करती हूँ कढ़ी बनाने की। तो मैंने ये कढ़ाई ले ली है, थोड़ा गर्म होने देते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने लिया है ये थोड़ा घी लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसमें घी का भी झोंक लगा सकते हो, लेकिन घी का झोंक मैं थोड़ा बाद में भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल और थोड़ा घी ले लिया है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी हींग डालूंगी। हींग आप यहाँ पे थोड़ी कम ही रखें, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखें, क्योंकि बाद में भी हम इसका झोंक लगाएंगे। और ये जो मिर्ची का कुट्टा था ना, उसको मैंने ये झोंक दिया है, ये लीजिए। और यहाँ पे हमें मिर्ची के कुट्टे को पकाना नहीं है। और प्लीज़, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। ये लीजिए, इस तरीके से हमें पकाना नहीं है क्योंकि ये वैसे ही उबली हुई है। तो अब इसमें वो जो छाछ तैयार करके रखी हुई थी मैंने मसालों के साथ, ये और देखिए हमारी वो जो गुठलियाँ है ना, वो अच्छे से पिघल गई है बिना किसी मशक्क़त के। वैसे ही पूरा घुल गया है बेसन, मसाले भी अच्छे से घुल गए हैं। अब हम इसको डालेंगे इसी कढ़ाई में जिसमें मिर्ची का झोंक लगाया था हमने, ये लीजिए। और आप ध्यान रखें कि छाछ डालते वक्त तो गैस की फ्लेम को फुल रखें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाओगे ना तो फिर हमारी छाछ फट जाएगी और हमारी कढ़ी अच्छी भी नहीं लगेगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इसे चलाते रहें। और मैंने इसमें थोड़ा 1/2 गिलास पानी ले लिया था और 1/2 गिलास पानी और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ मसाले रह गए थे थोड़े बहुत। ये लीजिए, आप इसे चलाते रहें कंटिन्यू जब तक इसमें एक बार उबाल ना आ जाए अच्छे से इसे। और ये देखिए, हमारी बाटियाँ भी थोड़ी थोड़ी सिकने लग गई है। एक बार तो ये सिकी गई है बढ़िया, और मैंने एक बार पलट देती हूँ। अब यहाँ कंडे तो है नहीं कि भाई उसमें से एक लें, पर लेकिन यहाँ बस ओवन ही है मेरे पास, तो ओवन में ही तैयार कर रही हूँ मैं बाटियाँ।
और ये साथ में कंटिन्यू मैं कढ़ी चला रही हूँ। इस तरीके से चलाते रहें आप कंटिन्यू। और ये लीजिए, हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब आपको चलाते रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट में इसमें उबाल आ गया है। और आप इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम कर दें और इसे अपने आप पकने दें। बस बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे एक बार चलाते रहें। और ये लीजिए, हमारी कढ़ी है ना बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर से झोंक। इसके लिए मैंने एक चम्मच ले लिए और उसको थोड़ा गरम कर रही हूँ मैं। और गरम करके इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी मैं। 2 चम्मच घी लिया है मैंने। और इसमें डाल रही हूँ मैं हींग। और हींग के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। और ये लीजिए, मैं इसको है ना जानबूझ के थोड़ा ऐसे आग ले रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से झोंक लग जाए। पर लेकिन आप ध्यान रखें कि इस वक्त अगर आप ऐसे झोंक लगाओ तो प्लीज़ आप पूरा ध्यान रखें, चेहरा दूर रखें और बच्चों को ना रहने दें किचन में। ये लीजिए, देखिए कितना बढ़िया झोंक लगा है। और भाई इसका जो टेस्ट आता है ना इस वाले झोंक का, वाह मज़ा ही आ जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूलिएगा मत। प्लीज़ सपोर्ट अस।